नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। दिनेश कार्तिक जो कि महेंद्र सिंह धोनी के अगर कंपैरिजन में बात करें तो कमतर कप्तान माने जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी उनके आगे बहुत बड़े कप्तान माने जाते हैं, लेकिन कल के मैच में केकेआर वर्सेस सीएसके के मैच में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी भी केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक की चतुराई भरी कप्तानी के आगे फीकी पड़ गई। उसने दम तोड़ दिया, घुटने टेक दिए। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक तरीके से प्लान किया गया था महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ, साजिश एक तरीके से की गई थी, क्रिकेट वाली, अच्छे सेंस में आप उसे कह सकते हैं। पहले से ये पता कर था दिनेश कार्तिक को कि ओपनर्स इनके अच्छे हैं, इसीलिए ओपनिंग में सुनील नारायण को गेंदबाजी नहीं करवाई गई। सुनील नारायण को, वरुण चक्रवर्ती को और आंद्रे रसेल को एक तरीके से तुरुप के इक्के के रूप में दिनेश कार्तिक ने इस्तेमाल किया। शुरुआत के 10 ओवर में 90 रन बन गए थे, लेकिन फिर भी दिनेश कार्तिक हिम्मत नहीं आ रहे। उन्होंने उसके बाद क्या किया, 11वें से लेकर 15 ओवर के बीच इन दोनों स्पिनर्स को लगाया। इन्होंने विकेट्स भी लिए और रन भी रोक दिए। इन 5 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 20 रन आ पाए। इस वजह से प्रेशर और बढ़ता चला गया। और उसके बाद दिनेश कार्तिक को यह पता था कि धोनी और केदार जाधव अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, उनके सामने मिस्ट्री स्पिनर को उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके बाद हमने देखा कि सुनील नारायण के सामने लगातार दोनों ही स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे और रन भी नहीं बना पा रहे थे। प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसके बाद जो दूसरा चक्रव्यूह था वो था वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती ने क्या किया, वरुण चक्रवर्ती ने चौका जरूर खाया धोनी से, लेकिन अगली गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया। वो थी मिस्ट्री गेंदबाजी, जिसका धोनी को पता तक नहीं था, अंदाजा तक नहीं था कि मैं जाऊंगा तो मेरे सामने एक नए लड़के को दिनेश कार्तिक लगा देंगे। उनके सामने तो वो एक नया ही लड़का है, पहला सीजन खेल रहा है। तो इसलिए इस बारे में भी, इस फैसले ने भी चतुराई थी और वो चतुराई की तारीफ भी होनी चाहिए। उसके बाद आखिर में आप ये देखिए कि शिवम मावी से या फिर नागरकोटी से, उनसे नहीं, आंद्रे रसेल से 18वां और 20वां ओवर करवाया गया। उनके पहले ओवर का जो है मावी के और नागरकोटी के खत्म कर दिए गए थे। जानबूझकर पता था कि आंद्रे रसेल पूरी तरीके से फिट हैं, गेंदबाजी बड़ी अच्छी कर रहे हैं और अगर वो गेंदबाजी करते हैं रन रोक लेंगे। और देखिए आप, मैच का नतीजा बताता है, आंद्रे रसेल ने न सिर्फ विकेट लिया बल्कि केदार जाधव को इतना परेशान कर दिया कि वो उनके ओवर में रन ही नहीं बना पाए, 5 गेंदों में तो अपना खाता खोल पाए। तो ये ऐसे फैसले थे जो ये बताते हैं कि दिनेश कार्तिक भी एक बहुत शानदार कप्तान है, बहुत चतुर कप्तान है और महेंद्र सिंह धोनी के आगे भी वो अच्छी कप्तानी, उनसे बेहतर कप्तानी करके दिखा सकते हैं और उन्होंने कल के मैच में दिखा भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।